ये गिर नस्ल की गाय है जी, ये वीरेंद्र सहवाग जी के वहाँ पर थी फार्म पर। ये गुजरात से आई, सूरत गुजरात से आई है, तो वहाँ पर ये दूर से आने की वजह से ज़्यादातर मैंने ये देखा कि गाय, गिर गाय जो हमारे क्लाइमेट को सूट नहीं कर पाती है उत्तर भारत में, दिल्ली के उसको, तो ये वहाँ फिर प्रेग्नेंट नहीं हो पाई जी, बिल्कुल ना दूध दे रही थी और ये रिपीटर हो गई थी। तो रिपीटर होने के बाद फिर सहवाग जी ने इसे मेरे को दे दिया जी, एक साल के करीब रही, फिर मैं लाया इसको, एक साल हो चुका है अब, ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है। और पहले मेरे को काफ़ी ये पहचानती नहीं थी, अब तो बहुत अच्छा वो हिल मिल गई है, वो प्योर ब्रीड है जी इसका। ये हम्प देखिए, दूध ये इसका उत्पादन अधिकतम पर डे का 12 लीटर के करीब। तो अभी मेरे पास तो आई है जी, देखो मैंने नस्ल बचाई है ये जो, तो वैसे इसमें अगर नस्ल सुधार करके काफ़ी अच्छा उत्पादन बताया गया है जी, इसका 5400 लीटर का उत्पादन बताया गया गिर नस्ल की गाय का जो अधिकतम देखा गया है, तो काफ़ी अच्छी हैं। तो हाँ, इंसेमिनेशन मैंने किया सर, इसका G23 सीमेन बुल नंबर NDDV SAG का जो G23 सबसे ज़्यादा उत्पादन है उसका 5400 लीटर का, और एक ABS कंपनी का चेतक। तो इसमें 3 दिन AI करी मैंने, क्योंकि ये टिक नहीं रही थी, तो रोज़ाना पर डे रोज़ाना 24 घंटे पर 3 बार AI करने के बाद फिर ये कंसीव कर पाई। तो काफ़ी मेहनत करने की, मशक्क़त करने की उससे। इसकी आँख देखो जी, आँख इसकी बिल्कुल अधखुली होती हैं जी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को गिर के बारे में नॉलेज नहीं है। इसका माथा देखो एकदम से बिल्कुल फ्लैट, कान बिल्कुल नीचे टच कर जाएंगे, और कान और ये सींग बिल्कुल मिले हुए हैं जी एकदम से, और पशु में नहीं होते जी ऐसा। ये लगभग मेरे पास 1 साल हो चुका सर इसको, इसी टाइम में लाया था मैं, तो 2-3 महीने इसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर इसको AI करी, AI करने के बाद अब ये कंसीव कर चुकी है और 8 महीने की गया बनी। मेरा नाम श्याम सिंह तंवर है, मैं फतेहपुर बेरी दिल्ली 74 में रहता हूँ, और मैं AI कृत्रिम गर्भाधान का काम करता हूँ जी। और मैं जो भी इंडियन ब्रीड है, इंडियन ब्रीड को नस्ल सुधार करने का काम मेरा मुख्य फोकस है, ताकि लुप्त होती हुई बेकार जो गायों को मैं खरीद के, ये सहवाग जी के यहाँ से जो ये गिर गाय बेकार हो चुकी थी, ये मैंने खरीद फ्री में ही दिए उन्होंने मेरे को, और मैंने इसको सुधार किया, काफ़ी मशक्क़त करी, और अब ये प्रेग्नेंट है। तो मेरा जो मुख्य फोकस है कि जो इंडियन ब्रीड बेकार हो जाती है उनको सुधार करना है जी। किसान छोड़ देते हैं, ऐसी गाय को मैं ले आता हूँ, और कृत्रिम गर्भाधान का काम है, मैं लगभग 15 गाँव में कृत्रिम गर्भाधान का काम करता हूँ जी। ये आप देख रहे हो ना, जो मैंने अभी हाथ फेरा है इसके ऊपर से ना, एक जो गाय के अंदर से जो मोम और ये नमक की लेयर निकलती है जी, जो इसको ठंडे रखने में मदद करती है। जो हम सोचते हैं नहीं, देखो एक मान्यता होती है नहीं, फटाक से नवा दो, नवाने पे मैंने देखा है कि ज़्यादातर वो हाँफना शुरू कर देती है। अगर हम इंडियन ब्रीड को भी बार बार नवाते रहेंगे, तो उतना वो मौसम में जब गर्मी आएगी, ख़ासतौर पर 8वें 9वें महीने का जो टाइम होगा, तो उसमें वो हाँफना शुरू कर देगी। अब ये देखो आप, बिल्कुल इनमें कोई वो नहीं है जी, बिल्कुल नहीं हाँफ रही। नहीं, जो HF की गाय को देखोगे तो उसमें बहुत हाँफती है जी, तो ये मैंने बिल्कुल नहीं नवाई जी। वैसे तो देखो वैज्ञानिक विधि अनुसार तो प्रत्येक पशु को रोज़ाना नवाना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि अब मैंने तो, बल्कि HF की बछड़ी को भी, आपको मैंने वो HF की बछड़ी दिखाई जो दिख रही होगी आपको, तो उसको भी नहीं नवाया जी मैंने आज तक। तो नहीं तो HF के लिए तो ज़रूरी होता है कि रोज़ाना नवाया जाए। कुछ गाय मेरे पास में, मैं उनको रोज़ाना नवाता हूँ पानी की। देखो दिल्ली जैसे शहर में तो पानी की समस्या बहुत ही बिकट, तो इसलिए इनको ना नवाए तो बेहतर है। धीरे धीरे उसी में ढाल लिया है, तो ये सोचते हैं कि नहीं वो बेकार हो जाती हैं, उससे ही हो जाता है।
इनको कभी भी मैंने कूलर की सुविधा नहीं दी, उनके लिए बड़ा कूलर है, कूलर की भी सुविधा देते हैं जी, उसके बावजूद भी वो गर्मी से परेशान रहती है, वो बीमार हो जाती है जल्दी, उनमें मास्टाइटिस वगैरह की समस्या आ जाती है। इंडियन ब्रीड में उतनी जल्दी नहीं आती जी।